ओके फ्रेंड्स टुडे वी विल स्टार्ट देज नंबर एटी सेवन हेर वी विल डू द रीडिंग पार्ट इन आफ्टर रीडिंग हम विल कम टू नो दिच पार्ट इज़ ट्रू एंड विच इज रॉन्ग फॉल्स या हम कुछ सेंटेंसेज पढ़ेंगे दे आर सिक्स सेंटेंसेज अबाउट द डाइनासोर्स और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं आपने ये पैसेज पढ़ा है ये उसी पैसेज में से पढ़ के हमने जवाब देने हैं डॉक्टर होमर फाउंड ए लॉट ऑफ नेस्ट्स ऑन एग माउंटेन इज इट ट्रू यस दिस इज ट्रू ए माया बेबी कुड रन एज सुन एज इट केम आउट ऑफ द एग नो दिस इज फॉल्स इट नीड टू बी फैड इसको बहुत अरसे तक इसकी मामा जो थी ना वो खिलाती रहती थी ठीक है इसीलिए वो नेक्स्ट में बेचारों के कईयों के हमें उनके ढांचे मिले हैं ठीक है ट्रूडन मदर्स बिल्ट नेस्ट एंड टुक केयर ऑफ देयर बेबीज ये ये जो है ना ट्रूडन मदर्स जो है वो अपने नेस्ट नहीं बनाती थी अपने बेबीज को फीड करती थी तो सो व्हाट विल वी से दिस इज दिस इज फॉल्स ट्रूडन बेबीज एट मीट यस देर इज नो डाउट ट्रूडन क्योंकि वो थे ही जो ईट मीट ईट जन दे यूज टू ईट मीट एंड देवर वट देवर कार्निबोरस ठीक है ये कार्निबोरस थे इसलिए दिस इज़ ट्रू मायासॉर्स मे हैव ट्रेवल्ड इन बिग ग्रुप्स यस ये दिस इज़ राइट हमने पढ़ा है क्योंकि उनके ग्रुप्स में ही थे तभी तो एकदम कहीं एक जगह पर उनको जो एग माउंटेन के करीब उनके बहुत सारे इकट्ठे ही मिले हैं ढांचे इसका मतलब है कि वो ग्रुप्स में रहते थे और एकदम से कोई हादसा हुआ तो इसकी वजह से वो बेचारे मर गए थे दे डाइड बिकॉज इट वॉज कोल्ड नो ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता दे डिंट डाई बिकॉज ऑफ़ द कोल्ड ये तो कोई आतिश विशाम जो है ना कोई जो हुआ वॉलैनो अरप्ट हुआ जिसकी वजह से वो द डाइट सो वॉलो में तो क्या होता है इट इज़ वेरी हीट बहुत ज़्यादा होती है नॉट बिकॉज ऑफ द कोल्ड बट बिकॉज ऑफ द वेरी हॉट थिंग्स नाउ लेट्स टॉक द दाइंटिस्ट लर्न ए लॉट अबाउट मायासार्स वट क्लूज डिड दाइंड फॉर ईच फैक्ट अगर आपने मायासार्स वाला हमने जो पढ़ा था अगर उसको आप दोबारा पढ़ें तो उसमें आपको क्लूज़ बहुत सारे मिलते हैं हमें कि जी ये चीज़ हुई थी इसकी वजह से ये इसका जवाब ये इस ये चीज़ हुई थी इसकी इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमें क्लूज़ होते हैं क्लूज़ से हमें पता चलता है कि जी वो जो है ना क्या क्या चीज़ हुई है किस वजह से द मदर माया साज़ लुकड आफ्टर हर बेबीज़ ये यस इज इज़ राइट बिकॉज इसका क्लू हमें क्या मिला क्लू है कि द फॉसिल्सोड दैट द बेबीज हैड बिन ईटिंग फॉर अ वाइल देखें फॉसल्स बताते ना अगर बच्चे खाते थे खुद तो बेचारे जा नहीं सकते थे तो इसका मतलब उनकी मदर जो है ना उनको खिलाती थी ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी ऑफ द बेबीजर नॉट न्यू बॉर्न ठीक है ना तो इसका इसका क्लू क्या था कि दॉसल शोड टीथ हैड वॉन आउट वॉन आउट यानी इसका मतलब ये है ना कि जी अगर तो किसी बच्चे के दांत बिल्कुल ठीक ठाक है इसका मतलब उसने कुछ खाया पिया ही नहीं है अगर उसके दांत जो है ना वो खाने की वजह से रगड़ खाने की वजह से खराब हो गए हैं तो इसका मतलब है उनके टीथ वॉनआउट हो गए थे और वो जो है ना थोड़ा सा अरसा जिंदा रहे हुए थे ठीक है नेक्स्ट था एग माउंटेन वॉज अ डेंजरस प्लेस फॉर दी बेबी मायास हॉर्स यस इट वाज़ ए डेंजरस प्लेस बिकॉज वो जो दूसरे डायरासॉर्स जो थे ना जो कि मीट ईटर्स थे वो आके खा जाते थे उनको और उनके कई दफा एग्स को भी खा लेते थे तो, टंड थे ठीक है सो इट इज़ बिकॉज टूडन ट्राइड टू स्टील दी एग्स ठीक है इसे आपकी बुक में दिया हुआ ये चीज़ अब मायासोर्स लिव्ड इन बिग ग्रुप्स यस yes, ये भी हमें क्रू इसका मिला है इसका क्या क्रू हमें मिला है कि बिकॉज दे फाउंड ऑफ हंड्रेड ऑफ़ डायनासार्स टुगेदर तो अगर आप हंड्रेड डायनासार्स इकट्ठे रहे कि बोन्स अगर इकट्ठी मिलती हैं तो इसका मतलब है कि जी वो एक ही जगह पर ट्रैवल कर रहे थे या सफ़र वहाँ पर कर रहे थे या वहाँ पर रह रहे थे तो इसका मतलब है वो बड़े बड़े ग्रुप्स में रहते थे ठीक है अब आपकी एक बड़ी मज़ेदार बात है कि आपको याद रखना चाहिए कि अ गुड साइंटिस्ट इज़ वॉट उस साइंटिस्ट में पांच जो है ना चार क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं सबसे पहले क्यूरियस कि उसको हर चीज़ के बारे में सोचना कि चाहिए कि अच्छा ये ये चीज़ हो रही है क्यों हो रही है फिर उसके बाद है ही शुड बी पेशेंट पेशेंट का मतलब होता है सब्र करने वाला सब्र से काम करने वाला आराम से बैठ के गौर से देखने वाला ठीक है फिर उसके बाद है ही शुड बी हार्ड वर्किंग यानी उसको मेहनत से काम करने वाला हो लगातार करता रहे मेहनत करते रहे फिर उसके बाद आए विलिंग टू चेंज हिज़ और हर माइंड और जब भी नए नतीजे आए तो वो अपना दिमाग में कर ले कि हाँ भाई ये, ये पहले वाला मेरा नतीजा गलत था खाम हाँ अपनी बात पे अड़ा ना रहे सो शुड बी विलिंग टू चेंज इज हिज़ और हर माइंड विच ऑफ दिस क्वालिटीज़ डू यू हैव हाउ अबाउट योर पार्टनर इफ़ यू आर अ साइंटिस्ट वट वुड यू लाइक टू स्टडी वाई यस yes, देखिए ना आपको यू हैव टू बी क्यूरियस यू हैव टू बी पेशेंट यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग एंड यू शुड बी विलिंग टू चेंज योर ओपिनियन और आप या आपके दोस्त में अगर एक क्वालिटीज़ होंगी तो यू कैन बिकम अ साइंटिस्ट एंड अगर आपको साइंटिस्ट हैं तो आपको यू हैव टू स्टडी वाई बिकॉज टिल द टाइम यू विल स्टडी आपका आपको नॉलेज ही नहीं आएगी नॉलेज नहीं आएगी तो आपकी क्यूरसिटी नहीं बढ़ेगी आप सब्र नहीं आपको आएगा हार्ड वर्क नहीं करना आएगा ना आप विलिंग टू चेंज होंगे ठीक है जी ओके okay. ओके okay जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं चूजिंग ए प्रोजेक्ट में ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है आप लोगों ने खुद भी काम करना है मैं आपको गाइड भी करूँगा इसमें और आप लोग फिर उसके बाद जो है ना काम करेंगे एक पार्ट में करा करूँगा और एक आप खुद किया करेंगे फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन टेल मी ठीक है सबसे पहले मेक अ डायनासारी मुरॉल हाउ आर two groups of dinosaurs that lived in the same place of the same time choose one group theek hai ji here are two groups of dinosaurs that lived in the same place of the same uh, same time ye abhi teen hai jaise hai ये टेरानोसॉरस रेक्स ए टी रेक्स जिसको बोलते थे ए ये है ट्रिस, आ, आ, ये है ट्राइसेप्टस और फिर एंकलियोसॉरस एंकालोथारस सारे एंकलोथार्स ये भी ये सारे हैं ग्रुप बी में भी इसी तरह हैं और फिर उसके बाद डू ए रिसर्च ऑन ई डाथॉर्स इन ए ग्रुप वट a द eater मीट ईटर और ए How हाउ बिग it? मैं ग्रुप ए का करता हूँ ग्रुप बी का आप लोगों ने खुद नेट से देखना है ठीक है वाज द डनोसार ये सारा हमने ड्रॉ ए पिक्चर भी मैं आपको पिक्चर भी बनाना आपको सिखाऊंगा ठीक है बिल्कुल स्टेप्स में ताकि आप बना सका करें डायनोसार जब भी आपको कोई बताए करने को लिए ठीक है जी तो अभी आपने थोड़ा सा अटेंटिव होके बिल्कुल अटेंटिव होकर देख है ठीक है ओके okay. हमने अभी क्या करना है कि ये मॉरल उसका बनना है और सारा मॉरल ये नहीं यह ना कि उसका एक किस्म का ड्राइंग सी बनानी है हमने जैसे कार्टूनिश किस्म की होती है एक्चुअल पिक्चर नहीं बन गया कि हम उसकी वो बनाने की कोशिश करेंगे पहले हम, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उनके बारे में ग्रुप ए का ये कि हमने क्या पढ़ा है कि ये ट्रेनोसारस रेक्स या टी रेक्स इसको बोलते थे ये फोर्टी फीट का था ये नहीं देखें लॉन्गेस्ट आपको नज़र आ रहा है फिर इंकालोसारस ये थर्टी थ्री फीट का था इसका हमने जरूरत से छोटा बनाया है और फिर उसके बाद है ये है ट्राइसराट्स ठीक है ट्राइसर ट्राइसरेटॉप्स टॉप्स, टॉप्स कह सकते हैं इसको ठीक है ये थर्टी फीट थे ठीक है इनके नाम क्योंकि प्रॉपर नेम है सो इट कैन भी आपके हिजे अलग हो सकते हैं आपका तलफ ज़रा अलग हो सकता है सो डोंट वरी ठीक है आपके स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए तो ये ये देखें ये थर्टी फीट का था सबसे छोटा हमने बनाया थर्टी थ्री फ़ीट वाला थोड़ा सा बड़ा और फोर्टी फीट वाला ये हमने से बड़ा बनाया है ठीक है अब हम आ जाते हैं ये देखें ये टेरानोसॉरस जो थे ना ये देखें हमने इसकी तस्वीर मैंने नेट से देखी है इसकी या ये ये इट वॉज़ मीट ईटिंग डायनासॉर ये देखें इसके लोकेटेड स्ट्रीट टेरनासोरस रेक्स वॉज ए लार्ज मीट ईटर डायनासॉर टी रेक्स इसको जो टेरासॉरक्स को टी रेक्स भी बोलते हैं टी रेक्स को ग्रो टू द ओवर ऑफ ओवर 12.4 मीटर दैट इज नियरली 40 फीट एंड 8.87 पॉइंट टन्स दैट इज़ 9.78 शॉर्ट टन्स इन बॉडी मास यानी ये इतने बड़े होते थे ठीक है जी ये हमने उसमें से नेट से तलाश करके आपको दिखाया फिर उसके बाद आ गया ये क्या है Trice, uh, triceratops. Triceratops या ठीक है इट वॉज ए हर्बी वो इट फर्स्ट अपियर अबाउट सिक्सटी एट मिलियन अगो इन नॉर्थ अमेरिका एंक्लेसारस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंक्लेसारस टोटल लेंथ ऑफ अप टू टेन मीटर्स दैट इज थर्टी थर्टी थ्री फीट एंड प्रोबली वेट ऑफ अबाउट फोर टनस ठीक है जी अब अगला देख लेते हैं ये Ankylosaurus was a plant-eating dinosaur that was the largest of its family of dinosaurs called Ankylosaurus. Dinosaurs belonging to its whose uh, family had short, heavy bodies and were protected from head to tail with the bony plates and spikes. Look at this. spikes The plates acted like armor. टू हेल्प प्रोटेक्ट दी एनिमल अगेंस्ट मीट इटिंग डाइनासॉर्स ये जैसे आज कल हमारे चूहे भी होते हैं ना कई ऐसे जो जो जिनके ऊपर कांटे कांटे से होते हैं ताकि इनको को दूसरे जानवर खाने की कोशिश करें तो ज़ख्मी हो जाएँ इससे उनकी बचत हो जाती है एंड कॉलोसॉरस इज एस्टीमेटेड टू हैव बिन सिक्स एंड एट मीटर्स यानी कि ट्वेंटी से ट्वेंटी सिक्स फीट लॉन्ग एंड हैव वेट बिटवीन फोर पॉइंट एट टू एट मीट्रिक टनस यानी ये अभी इन में से सबसे छोटा था इट वॉज क्वाडर पैडल यानी इसका मतलब ये चारों पैरों पे चलता था क्वाड्रोपेडल था ना ठीक है ना जी क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि जो प्लांट ईटिंग थे वो क्वाडर पैडल थे यानी चार टांगों पे चलते थे जो दूसरे थे ना उनकी अगली टागें दो जो है वो फ्री होती थी और उनको नहीं इस्तेमाल करते थे वो सिर्फ शिकार को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे विद ब्रॉड रोबस्ट बॉडी इट हैड ए वाइड लो स्कल विद टू हॉर्नस पॉइंटिंग बैकवर्ड्स फ्राम द बैक ऑफ द हेड इसके देखें दो उसके ऊपर सिंग भी हैं इसके हैं ठीक है जी अब हम लेट्स गो ओवर टू नेक्स्ट हमारा जो काम था वो ये क्या था कि हम एक डायनासोर एक्सपर्ट बनना है हमने बना के आपको सेकंड रिसर्च में हमने बनाना है कि ये बना के कैसे कर, करते हैं और फिर उसके बारे में इसकी डिस्कशन करनी है लेट्स गो ये देखें द मिजिस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिएचर्स टू एवर वॉक ऑन द अर्थ द डायनासोर वॉज एज टॉल एज थ्री स्टोरी बिल्डिंग एंड एज लॉन्ग एज ए स्कूल बस Dinosaurs vary in size, but on average, they were fairly small. Some of the smallest dinosaurs were the smallest members of their species, while some of the biggest were the size of a small car. The smallest dinosaurs were the tiniest creatures to ever walk on the earth. These dinosaurs ranged in size from the very small, like Microraptor, uh, or the very small, like थोमस थौम, आर्नी थोमस ठीक है ये देखें बड़ा वाला डायनोसार है हमने वो देखें ये दूसरी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को खा जाता है और ये छोटे छोटे डायनोसॉर्स भी हैं ठीक है जी अब नेक्स्ट पे आते हैं हम बना के देखते हैं हाउ टू ड्रा डायनासोर डायनोसार सी ठीक है ये नज़र आया आपको कैसे बन रहा है ये दोबारा मैं रिपीट करके दिखा रहा हूँ ये अब दूसरी तरफ से मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये ठीक है लाइक like दिस ये यूँ बनेगा पहले हमने जबड़ा बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाती है उसको बनाने में देखें ये हम दांत उसके पहले बना लेते हैं थोड़े से ताकि हम बाकी उसको शेप अप कर सकें ये ठीक है हमने मैंने बहुत दफ़ा बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको बार बार करने में आसानी हो आसान आराम आराम से आप इसको कर सकें ठीक है अच्छा इसको और मज़ीद कम्प्लीट करते हैं हम लाइक like दिस इसकी आँख बना लेते हैं हम यहाँ पर ठीक है ये आँख इसकी बन गई ठीक हो गया अब हम इसकी बाकी चीज़ें मुकम्मल करनी शुरू करते हैं जैसे कि यह हम उसकी एक जो आगे वाली उसकी टांगे हैं जिनको हम हाथ कहते हैं ये बोल देते हैं ये, ये देखें उसके अगले वाले हाथ बन गए ठीक है जी अब हम उसकी पिछली वाली टांगों को मुकम्मल करते हैं ये एक टांग हो गई उसकी और दिस इज अनदर ठीक है अब आपको बनाना तो आ गया ना ये वाला देखें कौन सा वाला आप देखें गेस्ट करें कि जिसके आगे वाले हाथ फ्री हैं और पीछे वी टांगों पे दौड़ रहा है ये, ये कौन सा वाला होगा नॉर्मली ये वो वाले थे कि जिन जो मीट ईटर्स थे यानी देवर वट देवर कॉर्निंग ठीक है तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं इट इज अ अर्निवर्स डायनासोर ठीक है इट कैन रन फास्ट इट ग्रैब्स इट्स स्प्रे विद इट्स टू फ्रंट लेग्स ये बड़ी जो है इट हैज बिग एंड शार्प टीथ ये देखें ठीक है सो so, हमने इसके बारे में चार चीज़ें हमने जब बनाते हुए भी देख ली आपको भी मैंने बार बार रिपीट करके बताया ताकि आप ये बना सका करें यानी कभी आपको बनाने के लिए कहा जाए तो आप बना सकें मैंने इसीलिए आपको चार पांच दफ़ा इसको रिपीट करके दिखाया अगर आपको मुश्किल हो तो दोबारा इसको पॉज करके भी आप बना सकते हैं पर इसको एक दफा बनाने की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है ठीक है अब एक और भी हम आपको प्रैक्टिस करा देते ये देखें एक डायनासोर की इस तरह पहले देखें इसके मुख्तफ स्टेप्स में मैंने आपको बना के दिखाता हूँ पहले मैं उसकी थोड़ा सा उसका स्केलेटन सा बनाता हूँ फिर उसको कंप्लीट करते जाते हैं लेट सी दिस ये देखें ये एक बड़ा सा डायनासोर हमने बना रहे ठीक है अब इसको मजीद कंप्लीट करते हैं लाइक इसकी आँख बना दी हमने ठीक है आँख के नीचे भी थोड़ा सा बना दिया अब मजीद इस पर हम देखते हैं कि इसकी हम जो है ना चार टांगे बनानी है। बिकॉज ये कॉडरपैट होते थे नॉर्मली क्योंकि जो इन जो थे हरबी वोरस ये हरबी वोरस है बड़ा सा है ठीक है ठीक है इसकी चारों टांगे हम बना रहे हैं वन टू थर्ड और ये फोर्थ <coughs> इसकी हो गई ठीक है जी चार टांगे इसकी हो गई अब इनके ऊपर आपको पता स्केल स्केल से होते थे छोटे छोटे से उसके तो वो भी हम थोड़े थोड़े यूँ करके बना देते हैं ये ये देखें ठीक है आपको समझ आ रही है ना ये, अभी ये अब इसकी क्वालिटीज भी देख ले कि क्या क्वालिटीज थी ये ये हमें इट इज इट इज वॉट इट इज आ हरबी वोरस डायनासोर दे आर नॉर्मली बिगर इन साइज इट मूव्स ऑन फोर लेग्स इट कैन यूज इट स्टेल एज अ वेपन समटाइम्स इट यूजेज इट स्टेल टू सिट वाइल ईटिंग इट हैज़ लॉन्ग नैक टू रीच दी लीवस ऑन दी टॉप ऑफ ट्रीज़ ये हमने रिसर्च की है कि भाई देखें ये जो जो चार टांगों में चलने वाले थे ना ये बड़े बड़े होते थे क्योंकि खूब घास खाते थे और पत्ते खाते थे ठीक है इनकी लंबी गर्दनें इसलिए होती थी ताकि ये ऊपर पत्तों वगैरह को भी पकड़ सक आराम से दरतों के ऊपर से खा सका करें ठीक है और इनकी जो टेल होती थी कई दफा ये टेल को इस्तेमाल करके पीछे यूं बैठ भी सकते थे ताकि आराम से बैठ के खा सके ये हमने रिसर्च की है ओके अब हम आते हैं कि जी ये जो रहते कहाँ थे देखिए ये लफ्ज़ आपको एक नजर आ रहा है पेंगजिया पहले जब ज़मीन थी ना वो सारी इकट्ठी थी बाद में ज़मीन जो है ना नीचे से हिलने की वजह से अलग अलग सारे कॉन्टीनेंट्स बन गए पता है ना आपको कॉन्टीनेंट्स जो हैं क्या थे तो हमने देखना है कि ये जब पहले सारी ज़मीन इस तरह पेंजिया इस तरह थी ना तो इसमें कैसे रहते थे जानवर <coughs> यानी अब बाद में देखें ये इस तरह बन गई यानी कि अलग अलग हो गई थी ज़मीन तो ये मैंने आपको थोड़ी सी वैसे इन्फॉमेसन दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि डायनासॉर्स कहाँ पर रहते थे हम मैंने नेट से ये देखा है कि ये डाइनोसार्स जो है कहाँ पर रहते थे देखें मुख्तु कॉन्टीनेंट्स में है कि डायनोसार्ज ऑफ द वर्ल्ड जो मुख्तलिफ जगहों पर रहते थे ये अफ्रीका में रहते थे ठीक है ये मुख्तलिफ किस्मों के डाइनासार्स हैं ये इस तरह नॉर्थ अमेरिका में रहते थे ये बाद में बने हैं सारे पहले तो सारी अर्थ कट्ठी होती थी ना तो ये बाद में बनी जब अर्थ अलग अलग हो गए तो ये क्योंकि अर्थ के अलग अलग होने से पाँच पीसीज में पाँच कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होने से पहले ये ख़त्म हो गए थे बेचारे ठीक है तो अभी ये आपको नज़र आ रहा है कि ये कहाँ पर रहते थे ठीक है ये ये हमने एक प्रोजेक्ट से किया है ठीक है आप इसको देखें ग़ौर से इसको पॉज करके अपनी वीडियो को इसको आराम से तसली से देखें आपको पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ पर डायनासोर्स रहते थे ठीक है मुख्तफ़ किस्मों के डायनासोर्स हैं जो कि आप देख रहे हैं यहाँ मुख्तफ़ जगहों पर रहते हैं ठीक है हो गया जी आई होप आप लोगों को पसंद आया है अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर आप लोग ज़रूर हमें लाइक किया कीजिए मुझे पता चलता है कि जी आपको पसंद आ रहा है और अपने कुछ और दोस्त जिन बेचारों को मुश्किल हो रही होती है ना तो उनको ज़रूर बताया करें कि ताकि उनकी भी हेल्प हो और वो भी हमारे जो है ना साथ मिलकर पढ़ सका करें ताकि उनका भी फ़ायदा होगा उनका फ़ायदा होगा तो देखो क्या होगा कि आपको भी स्वभाव मिलेगा और मुझे भी स्वभाव मिलेगा ठीक है डायनासॉर्स लिव्ड ऑन अर्थ अबाउट टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू मिलियन ईयर्स अगो in a single continent called pangea this is the union of the continents we know right now america europe africa and oceanica during the course of the years of these have been divided and rejoined by tectonic movements in its interior ठीक है ये हमने नेट से किया इसलिए इतना तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये इस इस तरह हुआ था ये बहुत मुश्किल मुश्किल लफस आपको परेशान करने अपने आप को ज़रूरत नहीं है ये बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये डायनासॉर्स जो है ना जब ज़मीन के अलग अलग हिस्से नहीं हुए थे समुंदर बीच में ज़मीन के नहीं घुसा हुआ था उस वक्त सारे इकट्ठे रहते थे और ये हमने बताया कि कौन कौन से मुल्कों में ये कौन कौन से रहते थे अगर इसको आप गौर से देखें तो ओके